अब स्टूडेंट्स हम वही बात को आगे पढ़ते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण हमारे पास है। तो इसके रूट्स जो है दो होते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, दो मूल होते हैं। तो रूट्स क्या होते थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, रूट्स वो होते थे जिसे एक्स की जगह रखने पे वो जीरो कर देते थे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते थे, तो उसे रूट्स कहते थे। ये हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जहां पे हमने पहले पढ़ा था। तो ये हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, एक एग्जाम्पल लिया था कि ये है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स दो मूल जो है तीन और चार थे, क्योंकि तीन को रखने पर ये पूरे को जीरो बना दे रहा था और चार को भी रखने को चार को भी रखने पे ये पूरी इक्वेशन को समीकरण को जीरो बना दे रहा था। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तीन या चार के अलावा, एक्स की जगह रखना है तो कोई भी वैल्यू तीन और चार की जगह, कोई भी तीन और चार के अलावा अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो नहीं बना पाएगी। सिर्फ ये तीन और चार यही दो हैं ऐसी वैल्यूज, ऐसी संख्याएं हैं जो इस इक्वेशन को जीरो बना देंगी, तो इसलिए इनको रूट्स हम बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं, क्योंकि पावर दो चढ़ी होती है ना, इसीलिए दो रूट्स दो मूल निकल के आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रूट्स निकालते कैसे हैं। पिछले बार तो मैंने बस डायरेक्टली रूट या मूल लिख के बस आपको समझाया था कि रूट या मूल का मतलब होता क्या है, बस वो समझाने के लिए कि उसका मतलब क्या होता है। वो जीरो ले आते हैं, रूट को इस इक्वेशन में रखने पे वो जीरो ले आते हैं, तो बस वो समझाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया था, ये रूट, ये दोनों रूट दोनों मूल जो है डायरेक्ट लिख दिए थे। अब इस क्लास में हम समझेंगे कि निकालते कैसे हैं। तो आइए वापस हम जो पढ़ रहे थे अभी, तो ये हमें जनरल इक्वेशन दिया है स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए इसके जो दो रूट्स होते हैं, हमें तो पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं दो मूल होते हैं, तो इसके दो रूट्स दो मूल निकलते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट डी यानी कि विवेचक निकाल लेना होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे विवेचक का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ये रही साथ में डी की वैल्यू। अब इसकी और मदद से आगे हम रूट्स निकालेंगे, दोनों मूल निकालेंगे इसकी मदद से, आइए देखते हैं। तो अल्फा और बीटा होते हैं दो रूट्स दोनों मूल, तो आइए अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है दो मूल, पहला मूल जो है ये है अल्फा फर्स्ट रूट, यह है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, और सेकेंड रूट दूसरा मूल जो है बीटा इसे कहते हैं, वो बराबर है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट विवेचक ये जो डी है, ये वही डी यहाँ पे डी और डी यहाँ पे लिखा हुआ है, यही डिस्क्रिमिनेंट विवेचक। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों रूट्स आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे बड़ी आराम से। तो ये पहला रूट अल्फा, ये ध्यान रहे ए नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, ये अल्फा है, ये ए नहीं है लिखा हुआ, ये अल्फा ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये बीटा है, ये बी नहीं है लिखा हुआ, ये बीटा इसे कहते हैं। तो ये अल्फा ये होता है, तो दोनों में फर्क क्या है दोनों रूट्स में, कि माइनस बी के बाद ऊपर प्लस आ रहा है, एक मूल एक रूट में ये जो अल्फा है इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है और नीचे ये बीच में माइनस आ रहा है, ये फर्क है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, इससे हम अभी निकालेंगे रूट्स निकालेंगे इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के देखेंगे भी, चेक भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट तो याद रखना ही रखना है जो हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद ये दोनों रूट अल्फा रूट और ये बीटा रूट के फॉर्मूला की कैसे निकालेंगे हम। तो ये आप यहाँ पे ये डी जो लिखा हुआ है, डी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रूट्स में, ये डी की जगह आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a,
तो यहाँ पर पे प्लस होगा और फिर दूसरे वाले रूट में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। तो ये सब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ टाइम पहले एक एग्जाम्पल उदाहरण लिया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और दो रूट्स निकाले थे, ठीक है। ये पहले हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ये था और इसके दो रूट्स मैंने डायरेक्टली लिख दिए थे और बस ये देखने के लिए कि जीरो आता है या नहीं, दोनों रूट्स को एक्स की जगह रख के जीरो आता है या नहीं। तो हाँ जीरो आ रहा था, तो ये रूट्स अब हम निकालेंगे। अब हमारे पास बस ये दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा और हम सिर्फ इससे रूट्स को निकालेंगे और हम देख लेंगे कि तीन और चार ही आएंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल के को फिर से दोबारा लिखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। तो आइए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड दी रूट्स ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है द्विघात समीकरण। तो इसके जो दोनों मूल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया दो मूल होते हैं, दो रूट्स होते हैं, तो इसके हमें दोनों रूट्स दोनों मूलों को निकालना है इस इक्वेशन के। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी यानी कि विवेचक निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं कितना निकलेगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस फोर्टीन होल स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए जो है वो एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर होता है उसे हम ए कहते हैं, तो ए टू है तो यहाँ पे टू रख दिया, और इंटू सी, सी ये रहा, सी अलग से अकेले जो नंबर होता है वो रहा सी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फोर आ गया हमारे पास। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है विवेचक जो है वो फोर है, ये डी है, डी की वैल्यू फोर आ गई हमारे पास। अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला और ये वाला, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा पहला रूट और दूसरा रूट भी ये फॉर्मूला लगाने से मिल जाएगा। तो आइए ये दोनों फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी की जगह माइनस और माइनस फोर्टीन आएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो पहला रूट है अल्फा जो है, तो इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई टू ए। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है यहां से। तो माइनस बी, तो माइनस का साइन तो ये रहा और फिर बी रखना है और फिर से माइनस फोर्टीन हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और फिर प्लस स्क्वायर रूट डी, तो प्लस रूट फोर, डी तो हमने निकाला ही फोर यहाँ पे, तो वही फोर की वैल्यू रख दी और पूरे को डिवाइडेड बाई टू ए, तो टू इंटू टू, ए जो है वो टू है ना स्टूडेंट्स, ए टू है, बी जो है माइनस फोर्टीन है और सी जो है ट्वेंटी फोर है। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, सब बी और ए और डी की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया हमारे पास। अब माइनस माइनस तो फोर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस फोर्टीन हो जाएगा और रूट फोर जो है वो टू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्टीन प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, 14 प्लस 2 जो है वो 16 देगा और 16 डिवाइडेड बाई नीचे 4 है, तो 16 बटे 4, 4 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम माइनस दूसरा रूट निकालेंगे, दूसरा मूल जो कि बीटा कहलाता है, उसके लिए हम माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए ये वाला फॉर्मूला रखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ये वाला। तो इसमें यहाँ पे माइनस है, यही अंतर है पहले वाले में, पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है। तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए ये हो गया, तो वैसे ही माइनस और माइनस फोर्टीन हो गया, फिर माइनस रूट फोर डिवाइड बाई टू इंटू टू। तो अब यहाँ से माइनस माइनस फिर से वही प्लस फोर्टीन बना देंगे और माइनस टू हो जाएगा, तो ऊपर बारह बचेगा और नीचे जो है चार बचेगा, तो ट्वेल्व बाई फोर थ्री आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि चार और तीन यानी कि तीन और चार आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए वो कोई बात नहीं होती स्टूडेंट्स, रूट्स तो रूट ही है, चाहे आप चार रखिए इसमें चाहे आप तीन रखिए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि अल्फा चार आके है या बीटा तीन है, या अल्फा तीन है या बीटा चार है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बस एक रूट जो है वो चार है और दूसरा रूट जो है वो तीन है। तो ये हमने निकाल के देख भी लिया और कुछ टाइम पहले हमने ये डायरेक्ट लिखा भी था, तो ये बात साबित हो गई कि ये फॉर्मूला सही है। तो हमने कुछ टाइम पहले ये देखा भी था कि चार और तीन जो है यही आए थे रूट्स, यही दोनों मूल आए थे इस इक्वेशन के, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो कुछ टाइम पहले हमने यही देखा था, वो तो अल्फा बीटा ऊपर नीचे हो जाए, ये अल्फा या इसे बीटा कह लिया, बस दो मूल हैं,
ये आपको ध्यान देना है, जो कि 3 और 4 है, और इन दोनों मूलों को इस इक्वेशन में x की जगह रख के 0 वैल्यू आती है, तो ये चेक भी कर लिया था हमने। तो हमने यहाँ पे रूट्स को फॉर्मूले से निकाल भी लिया। ये सब इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सब कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है इसको, ये सबको। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है ax2 + bx + c, ये जनरल फॉर्म होता है इसका। तो इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो मूल निकलते हैं, दो रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के, अल्फा और बीटा। ओके, ये आपको काफी देर से पढ़ाया जा रहा है। तो दोनों जो मूल आते हैं वो किस तरीके के होंगे, उनका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति किस प्रकार के होंगे, जो दो रूट्स आते हैं, दो मूल आते हैं, वो किस दिखने में किस प्रकार के होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो जो है डिस्क्रिमिनेंट विवेचक डी की वैल्यू जो होती है उस पे निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डी होता है ना, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है उस पे निर्भर करता है कि अल्फा और बीटा जो दोनों मूल हैं, जो दोनों रूट हैं, वो किस प्रकार के होंगे, उनका नेचर क्या होगा। ओके, तो आइए इसे अच्छे से डिटेल में हम लोग देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें डी की वैल्यू देखनी होगी, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक क्या आता है। तो मान लीजिए डी जो है 0 से कम है, मतलब कि माइनस में है, डी जो है नेगेटिव है, तो रूट्स आर अनरियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों मूल जो हैं वो अवास्तविक सम्मिश्र संख्याएं होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप ठीक है याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं, अगर मान लीजिए डी 0 से कम आ जाए, ओके, मतलब 0 से कम मतलब डी जो है नेगेटिव है, जैसे कि -2, -3, -7 इस तरीके से अगर डी आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो आप चाहे यहां पे डी की वैल्यू में रखिएगा, चाहे यहां पे रखिएगा, तो रूट ऑफ माइनस आने लगेगा। मान लीजिए डी अगर -2 है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे डी जो है -2 है, 0 से छोटा है डी, तो आपने जैसे ही रूट के अंदर -2 रखा और यहां भी रूट के अंदर -2 हो गया, तो रूट के अंदर माइनस जो चीज होती है वो अवास्तविक होती है स्टूडेंट्स, अनरियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है वो, इमेजिनरी होता है वो, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी कोई भी माइनस वाले नंबर का रूट तो निकाल ही नहीं सकते ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए डी जब भी 0 से कम होता है तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, जो कि आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। वैसे इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ये एक बस आप याद रखिए कि डी जो है 0 से कम आ जाएगा तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अवास्तविक सम्मिश्र संख्या मिलेगी हमें। और ये आपको याद वैसे नहीं रखना है, आप कोशिश करिए समझने की, क्योंकि आप रूट डी की जगह बस रख दीजिए वैल्यू माइनस, कोई भी एक एग्जाम्पल माइनस सोचिए दिमाग में, मान लीजिए -5 और यहाँ पे रूट ऑफ -5 रख के देखिए, भैया रूट ऑफ -5 क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे -5 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अल्फा कभी भी रियल नंबर नहीं आ पाएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, डी जब 0 से कम है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब डी बराबर 0 हो जाता है तो तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो डी बराबर 0 मतलब ये डी जो है वो 0 आ गया, तो अब आप दोनों रूट्स में अल्फा और बीटा दोनों जगह डी को 0 रख दीजिए, तो ये रूट 0 ये भी 0 हो जाएगा, और ये रूट 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब ये प्लस 0 है ऊपर, प्लस 0 हो जाएगा ऊपर में, और दूसरे वाले रूट में -0 हो जाएगा, तो मतलब -0 भी कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिए उसे, और प्लस 0 भी मतलब हट जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं होती है, चाहे आप प्लस 0 करिए चाहे आप -0 करिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू -b/2a आ जाएगी, और दूसरा जो रूट है उसकी वैल्यू भी -b/2a आ जाएगी। तो दोनों जो रूट्स होंगे, दोनों जो मूल होंगे, वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोनों मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे,
दोनों रूट्स मतलब बराबर ही होंगे, तो चाहे आप अल्फा लीजिए चाहे आप बीटा लीजिए, दोनों की वैल्यू माइनस बी बाई टू आ जाएगी। अब खुद रख के देख लीजिए, डी डी को जीरो रख के खुद ही रख के देख लीजिए, तो पहला भी माइनस बी बाई टू ए आ गया, तो और दूसरा भी माइनस बी बाई टू ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों रूट अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, अल्फा की वैल्यू भी माइनस बी बाई टू ए हो जाएगी और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी बाई टू ए हो जाएगी, दोनों एक ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोनों रूट एकदम इक्वल होंगे। अब आइए तीसरा केस देख लेते हैं, जब डी जीरो से बड़ा है तो क्या होगा। अब तीसरा केस है, डी जो है जीरो से बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे, दोनों मूल जो हैं वास्तविक और असमान मिलेंगे आपको अगर डी जीरो से बड़ा है तो। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने पढ़ा तो इसका मैं आपको रियल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो तीसरा वाला केस है, जब डी जो है जीरो से बड़ा आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं। असमान मतलब दो अलग अलग रूट्स हमें मिलते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था, तो आइए ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं, ये तीसरी वाली लाइन को, कि डी बराबर जीरो होता है तो क्या होता है, आइए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण थी और हमने इसके दोनों रूट्स निकाले थे। तो सबसे पहले डी की वैल्यू हमने निकाली थी, जो हम देख रहे हैं कि चार आई है, जो कि पहला केस नहीं है, दूसरा केस नहीं है, तीसरा केस है। हाँ भाई, डी जो है जीरो से बड़ा हो रहा है, ये वाला केस है। तो इस वाले में क्या रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं? हाँ भाई, रूट्स, ये जो दोनों रूट्स आए चार और तीन, ये जो दोनों मूल आए ये रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, असमान भी हैं। तो हाँ हाँ भाई, ये वाली बात सच है, ये हमने एक देख भी लिया, एग्जाम्पल का करके देख भी लिया।